उनके द्वारा ये सम्मान हो रहा है। ओ भैया बिल्कुल विद्यार्थी है, इस बच्चे विद्यार्थी है ये। आप सब देख पा रहे हैं उनके पढ़ने भी किशोर राजभर जी यहाँ मौजूद है। मैं आपसे ही आपसे राजेश जी जो प्रधान ब्लॉक के आप ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए हैं उनका सम्मान जिला पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा अंगवस्त्र और माल्यार्पण करके किया जा रहा है। आग्रह करना चाहते हैं आपका माल्यार्पण करके अंगवस्त्र देकर के आपका सम्मान करेंगे। आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद का और हमारे 34 सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह था। आज इस अवसर पर मैं सभी 34 जिला पंचायत सदस्यों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से मैं इस जनपद की सबसे बड़ी पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। मैं अपने सभी जिला पंचायत सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जिस आशा विश्वास और उम्मीद के साथ आप लोगों ने हमें इस जनपद का निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया मैं आप सबके विश्वास पे खरा उतरूंगा। आप सबके राजनीतिक सामाजिक भविष्य में आप सबके राजनीतिक सामाजिक जीवन में जहां भी आप सबको मेरी जरूरत पड़ेगी मेरे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी मैं आप सबके बीच आपके परिवार के सदस्य के रूप में आपके भाई के रूप में हमेशा उपस्थित रहूंगा। मैं इस अवसर पर जिला पंचायत के सभी अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि जनपद के इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में आप सब लोगों ने एक अच्छी व्यवस्था करके एक सामंजस्य स्थापित करके एक अच्छा संदेश दिया है। इस अवसर पर मैं जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के अधिकारियों से भी यह उम्मीद करूंगा कि हमारे जिला पंचायत के सदस्यों के हमारे जिला पंचायत के बोर्ड के सदस्यों के आशाओं के अनुरूप आप सब काम करेंगे। निश्चित तौर पर हमारा यह प्रयास होगा कि मऊ जनपद मऊ जिला पंचायत प्रदेश में एक आदर्श जिला पंचायत के रूप में अपना नाम विकसित करे स्थापित करे। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं एक बार फिर सभी जनपद वासियों को अपनी जिला पंचायत मऊ की तरफ से ढेर सारी शुभकामना व्यक्त करता हूं। आपकी पहली बैठक है पहली बैठक में आप नाराज दिखे? नहीं नाराज नहीं दिखे मैं इस जिला पंचायत में यह मेरा सौभाग्य है या संयोग कहिए या मेरा सौभाग्य कहिए कि मैं लगातार चार बार इस पंचायत का मैं मेंबर रहा हूं और आज नाराज ने मैंने देखा थोड़ी व्यवस्था यहां पे पहले सामने की तरफ लोग सब लोग बैठते थे तो उस व्यवस्था को मैंने देखा कि इधर कुछ व्यवस्था में बदलाव आया है तो इसलिए मैंने अपने संबंधित लोगों को सुझाव दिया है कि जो पूर्व की व्यवस्था थी उस तरह से कुर्सियां लगा दी जाए ताकि हर व्यक्ति सामने जैसे सारे लोग एक दूसरे को देख सके और कार्रवाई में थोड़ा आसानी हो सके। शपथ ग्रहण के दौरान आप काफी भावुक भी होते हुए दिखाई दिए इस पर क्या कहेंगे? देखिए सबके सहयोग और आशीर्वाद से एक लंबे संघर्ष के बाद हमें इस पद पर जनपद के प्रथम व्यक्ति कहलाने का प्रथम व्यक्ति की कुर्सी पर बैठने का अवसर मिला है। बहुत जिम्मेदारियां भी हैं लोगों की बहुत उम्मीदें भी हैं और बैठने के बाद अब यह लग रहा है कि यह किस तरह से अपने लोगों के आशा विश्वास और उम्मीद पर हम लोग कायम रहें और तमाम वो पुरानी यादें जैसे हम लोग लगता था अपने जनपद के अन्य जनप्रतिनिधियों से जो हम लोग उम्मीद करते थे
वह उम्मीद अब जनता और यहाँ के लोग हमसे करने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यह समय और यह कार्यकाल थोड़ा कभी मन को प्रसन्न भी कर रहा है और जो आगे आने वाली चुनौतियां हैं उनको लेकर मन कठोर भी हो रहा है और लोगों का प्यार। विकास कार्य को लेकर घोटाले भी हुए हैं जिला पंचायत भवन में, आपको क्या उसका उजागर करेंगे आप? देखिए, जिला पंचायत का मैं बताया आपको कि चौथी बार मेंबर हुआ हूं। सारे लोग हमारे जो विकास की एक व्यवस्था है उसमें जिला पंचायत के अलावा और भी कार्यदायी संस्थाएं हैं। हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों के पास भी सबके पास अपना एक बजट है, सरकार की एक व्यवस्था है। अब कुछ दुर्भाग्य कहा जाए या क्या कहा जाए कि सारे लोगों की निगाहें जिला पंचायत की तरफ ही रहती हैं। इस तरह का कोई संज्ञान में विषय अभी हमारे पिछले कार्यकाल में नहीं आया। अगर ऐसा कोई विषय आएगा तो उसको ध्यान में लेते हुए संज्ञान में लेते हुए। मोड़ की हम बात करें, वहां पे जिला पंचायत की बिल्डिंग है और उसमें काफी घोटाले का मामला सामने आ रहा है, वो विषय पहले भी रहा है। हाँ, वो विषय तो हमारे संज्ञान में पहले से है, उसको अपर साहब को हमने कहा भी था और उसमें जांच चल रही है। अपर साहब, जांच चल रही है उसकी। मैं इस बैठक के बाद अपर साहब से बात करूंगा और उसकी फाइलों को निकलवाऊंगा। अगर कहीं इस तरह की बात उसमें आती है तो उस पर कार्रवाई होगी। जिला पंचायत सदस्य काफी युवा लोग भी चलेंगे? नहीं, अब युवाओं, यह हमारा सौभाग्य है कि इस बार की जिला पंचायत में अधिकांश युवा साथी हमारे आए हैं और इनके अंदर अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति उनके समर्पण की भावना है, कुछ करने की भावना है। और विकास का मतलब केवल एक चीज नहीं है कि केवल सड़क बन जाए, नाली बन जाए तो विकास हो जाए। हर तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। तो हमारे नौजवान साथी जो जीत के आए हैं, निश्चित तौर पर इनके अंदर एक उत्साह है और इनके अंदर कार्य करने का एक जज्बा है, इनकी एक अलग क्षमता है। और कई साथी हमारे दूसरी बार भी जीत के आए हैं। हमारे सुभाष यदुवंशी जी हैं जो लगातार तीसरी बार जीत के आए हैं। हमारे दरगाह से आलमगीर नन्हे जी हैं जो वर्ष 95 में जब पहली बार पंचायती राज व्यवस्था बनी थी तो उस समय 95 में वो जीत के आए थे। उनकी पत्नी इस बार जीत के आई हैं। ऐसे कई सदस्य हमारे, अमरनाथ चौहान जी हैं दूसरी बार जीत के आए हैं, कई सदस्य हमारे हैं। हमारे कई ब्लॉक प्रमुख हैं जो पूर्व में, राजीव राय जी हैं दोहरीघाट से दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख के रूप में आए हैं। उनकी घर से जिला पंचायत सदस्य के रूप में उनकी भयव आई है। तो इस तरह के सारे मतलब नौजवान लोग आए हैं और सबसे एक मुझे विश्वास है कि सब लोग मिलजुल कर बैठ कर और जिला पंचायत को अच्छे ढंग से चलाएंगे और जिले की विकास में अपना योगदान करेंगे। सर, मेन रोड को छोड़ दिया जाए तो जो गांव के रोड हैं, चक रोड हैं, काफी बुरी स्थिति में है इस समय। ऐसा लगता है जैसे कई दशकों से उस पर ना ही अच्छे से ईंट पड़े हैं, ना ही कंकड़ पड़े हैं और ना ही अच्छे से पीच हुए हैं। बहुत ऐसे रास्ते हैं जिले के जो देखने को हम लोग जाते हैं जब धरातल पे, तो देखने को सामने बातें आती हैं। सर, उस पर क्या काम करेंगे? नहीं नहीं, उसको सब हम अपने जिला पंचायत के कर्मचारियों के माध्यम से और जिला पंचायत के जो और भी हमारे कर्मचारी उनके माध्यम से हम सारे सड़कों को, जो हमारी जिला पंचायत की सड़कें हैं उनको हम निकलवा के चिन्हित करेंगे। जो कुछ सड़कें, यह जरूरी नहीं कि ग्राम देहात क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें हैं वो जरूरी नहीं है कि वो जिला पंचायत की हैं। उसमें कुछ ही सड़कें जिला पंचायत की हैं, बाकी अन्य विभागों की हैं। तो इसको हमको चिन्हित कराना होगा कि कौन सड़कें हमारे जिला पंचायत के क्षेत्र की हैं, कौन पीडब्ल्यूडी विभाग की हैं, कौन दूसरे विभागों की सड़कें हैं। तो उनको चिन्हित करके और सबको की लिस्ट बनाकर संबंधित विभागों से बात विचार विमर्श करके